बिल्कुल लड़ सकते हैं भाई, एक ही थाली में खा सकते हैं। उवैसी साहब ने कोई अखिलेश की भैंसे थोड़ी खोल ली। नहीं नहीं, उवैसी साहब भड़काते नहीं है, उवैसी साहब मुर्दा कौम को जगाने का काम करते हैं। बीजेपी का भक्त है, उसको कितनी बर्बादियां कर लो, वो 300 रुपए पेट्रोल भी लेगा क्योंकि वो बीजेपी का भक्त है। जो कम लोग होते हैं ना फड़फड़ाते ज्यादा हैं। तो राजभर साहब का तो खुद इतिहास कंगाली, 19 में वो बीजेपी में थे, अब भी उसको एक सीट चाहिए। अब वो सीट चाहे वो राजभर साहब की हो, चाहे अखिलेश साहब की हो, चाहे चंद्रशेखर साहब की हो, तो किंग मेकर बने ना जिसने अपनी एक सीट दी। तो किंग मेकर तो एक चावल के दाने से भी बन जाता है। आप देखिए 6 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है। अगर उवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, जैसे आपने देखा, हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं, कोई नेता कोई अभिनेता नहीं, ना फ्यूचर में मेरा कोई भी इरादा है कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पार्टीज़ के बारे में बोलती हूँ। किसी का अच्छा एजेंडा होता तो बोलती हूँ, बुरा होता तो बोलती हूँ। जैसे आपने देखा उवैसी साहब ने जैसे ही यूपी में दस्तक दी तो सबके पेटों में उड़ा चावल पकने शुरू हो गए। हाय उवैसी आ गया, बी टीम सी टीम ये टीम, और लोगों ने अपने अपने तरीके से मुसलमानों को उवैसी को भर भर के गालियाँ दी। वहाँ भी आपने देखा कि मैंने आवाज़ उठाई, अगर उवैसी की पार्टी है तो उनका राइट है कि वो उत्तर प्रदेश में आए या बिहार में या दिल्ली में, कहीं भी जाएं। अब आपने कहा कि अखिलेश को क्या उवैसी साहब के साथ गठबंधन करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। अगर वाकई आपको उत्तर प्रदेश जीतना है तो आप तमाम दोस्तों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो मुकाबला है वो फर्जी भगवा आतंकियों से है, जो उत्तर प्रदेश को लूटना खसोटना बर्बाद करना भी चाहते हैं और करते भी चले आए हैं। अगर वाकई आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को आप बचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को, नौजवानों को आप रोजगार देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की बेटियों को आप संरक्षण देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को भी आप महफूज करना चाहते हैं, तो हर हालत में उत्तर प्रदेश में ये फर्जी कमल, ये फर्जी भगवादारी जो सिर्फ नफरती चिंटू हैं, इनको भगाने के लिए आप तमाम दोस्तों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाना पड़ेगा। चाहे उसमें वो अखिलेश जी हों, चाहे वो राजभर जी हों, चाहे उवैसी साहब हों, चाहे वो मायावती जी हों, जितनी भी पार्टियां जितनी बन गई या जितनी पैदा होंगी, तमाम को एक ही प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। राजभर साहब भी कोई इतना बड़े तुर्रम खान नहीं थे कि पूरा उत्तर प्रदेश की कमान हाथ में लेके चले गए थे। 3-4 छिटपुटिया MLA शायद उनके पास आ जाए, लेकिन कहते ना कि ओछा जना बाजे घना, जो कम लोग होते ना फड़फड़ाते ज्यादा हैं। तो राजभर साहब का तो खुद इतिहास कंगाली, 19 में वो बीजेपी में थे। उवैसी साहब को तो उन पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था, ना मालूम उवैसी साहब को क्या सूझी थी कि एक ऐसे आदमी पे यकीन करके बैठ गए जो महीने पहले ही गद्दार पार्टी को छोड़कर आया था। तो जिनकी तबीयत में गद्दारी हो वो फिर एक ठिकाने पे नहीं रहते, वो वही ठिकाने पे जाते जहां उनको फायदा हो। अब वो फायदा पॉलिटिकल फायदा है या ये वाला फायदा है, नहीं मालूम कौन सा फायदा था। उवैसी साहब सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते, उवैसी साहब दलितों की भी बात करते हैं। आपको इसलिए लगता है कि मुसलमानों की बात करते हैं क्योंकि भारत में आप देखिए 6 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है। उवैसी साहब ने क्या पार्लियामेंट में बिल नहीं फाड़ा था जय भीम करके? तो भीम का मतलब मुसलमान तो नहीं होता, भीमराव अंबेडकर था, मेरा दलित समाज था। उवैसी साहब हर मुद्दे पे बात करते हैं, कोई भी मॉब लिंचिंग हो, कुछ भी हो, चाहे किसान हो, सब जगह उवैसी साहब बात करते हैं। तो ये उवैसी साहब को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग कहते हैं भाई बी टीम है, उवैसी साहब पर सरकार कार्रवाई नहीं करती। तो उवैसी साहब एक एजुकेटेड बैरिस्टर आदमी और वो तमाम की तमाम बातें आईन के दायरे में, संविधान के दायरे में करते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि उनको सरकार पकड़े या कुछ कहे। और आप देखिए कि उवैसी साहब के मंच से कितनी मेरी नॉन मुस्लिम बहनें हैं जो बोलती हैं। आप चाहे इधर गाजियाबाद में देखिए, बड़ी वायरल हो रही है एक लेडी, वो तो मुसलमान नहीं है। तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी कह के इनको टारगेट करना ये एक साजिश है, ताकि मुसलमानों के बीच में एक ऐसी दरार पैदा कर दी जाए और मुसलमानों को फिर कह दिया जाए कि देखो उवैसी भी गद्दार है, तुम भी गद्दार हो। जबकि मुसलमान ना कल गद्दार था, मुसलमान आज भी वफादार है, मुसलमान कल भी वफादार था। नहीं नहीं नहीं, 100 सीट से लड़ने से सरकार नहीं बनती, लेकिन कतरे कतरे से समुंदर बनता है। आप कोई भी मकान बनाए, पहली ईंट आप रखेंगे, पूरा महल बनाने के लिए शुरुआत करेंगे, एक ईंट से शुरुआत करेंगे। तो उवैसी साहब ने शुरुआत भर कर दी है, उन्होंने एक पहल दी, उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को इज्जत की जिंदगी चाहिए तो उन्हें एक ऐसी पार्टी में आना चाहिए जहां पर उनके हक की बात हो, जहां उनके संविधान में ये बताया जाए कि उनको क्या इज्जत मिली है। आप देखिए उवैसी साहब ने क्या कहा, अगर 100 सीट पे वो बंदा लड़ रहा है, क्या खाक सरकार बनाएगा? उत्तर प्रदेश में 415 सीटें हैं, 115 सीटों का फैसला वहां पर मुस्लिम समाज कर सकता है। उवैसी साहब क्या अगर मुसलमान वहां पर 125 सीट पर वोट भी ना डाले,
क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, तब भी सरकार बनेगी। तो ये सिर्फ ये ड्रामेबाजी है कि ओवैसी मुसलमान, ओवैसी हिंदू, ओवैसी अखिलेश, ओवैसी योगी करके वहाँ का जो दिमाग है, वहाँ पर जो एक नफरत की लहर चलानी है, एक भगवा क्रांति चलानी है, उसमें ये नाकाम है। ओवैसी साहब कितनी सीटें निकाल लेंगे? हार्डली 10-15-20, इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। मेकर तो एक सीट पे भी होता है जनाब। अगर सरकार वहाँ पर 200 मेंबर नहीं है और मात्र 199 सीट लेकर आई कोई भी सरकार जो आती है, तब भी उसको एक सीट चाहिए। अब वो सीट चाहे वो राजभर साहब की हो, चाहे अखिलेश साहब की हो, चाहे चंद्रशेखर साहब की हो, तो किंग मेकर बने ना जिसने अपनी एक सीट दी। तो किंग मेकर तो एक चावल के दाने से भी बन जाता है। नहीं नहीं, ओवैसी साहब भड़काते नहीं है, ओवैसी साहब मुर्दा कौम को जगाने का काम करते हैं। ये जो मुर्दे हैं ना तमाम के तमाम, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कब्रिस्तान में ले रहे हैं आप, यहाँ मुर्दे सोए पड़े हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो गए होंगे। मुझे सुन सुन के 2 साल से लगातार मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रही हूँ। तो ओवैसी साहब उन मुर्दों को जगा रहे हैं जिनको हमें यकीन ऐसा लगता है ये रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें, शायद ये जिंदा हैं, और ये वो ऐसे मुर्दे हैं जिनको अभी तक कब्रें नहीं मिल पाई। यानी हमारा मुस्लिम समाज, यानी हमारा दलित समाज, तो वो उसको झंझोड़ते हैं कि देखो तुम भारतीय गुलाम नहीं हो, यहाँ पर संविधान चलता है, यहाँ पर इंसानियत चलती है। कोई भी सरकार 5 साल के लिए आती है, सारी जिंदगी के लिए नहीं आती। भारत का चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पंडित हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर हमेशा रहेगा, सरकार आनी जानी है। तो अगर ओवैसी साहब आपके अंदर करंट पैदा करते हैं, आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप मरे नहीं हो अभी, आप जिंदा हो, तो इसमें भड़काऊ बयान कहाँ से हो गया? नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं होती। इंसान की जो औकात होती है ना, उसके इलाके में जीरो होती है, क्योंकि लोग कदर नहीं करते। हीरे की कदर कौन जानता है? जौहरी जानता है। ये तमाम फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में ऐसी चलती फिरती है, कोई इनको नहीं देखता, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो पब्लिक का हुजूम लग जाता है, क्योंकि वो घर की कहते नहीं, घर की मुर्गी दाल के बराबर। मैं हूँ, मुझे ओखला में, मेरे साथ तो कोई सेल्फी नहीं लेता, सलाम हजारों लोग करते हैं। जैसे ही मैं ओखला छोड़ती हूँ, रोजाना 150 मेरे साथ सेल्फी लेते हैं लोग, ओए अमन निजी जा रही है। तो ये हमारा घर है, तो घर वाले तो हमें अपना फैमिली मेंबर ही समझेंगे ना, ये थोड़ी हमें आंखों पे बिठा कर रखेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे। तो वैसे साहब का भी है कि हैदराबाद जो कह रहे हैं लोग संभल नहीं रहा, वो गलत है। हैदराबाद भी संभल रहा है, हैदराबाद के लोग भी संभल रहे हैं। अब क्योंकि वो पार्टी उन्होंने बनाई है, तो घुइयां छीनने के लिए तो नहीं बनाई। अगर वो हैदराबाद को छोड़ के उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बी टीम, बिहार में जाते हैं तो बी टीम। तो आपके ही चैनल से मेरा सवाल है, जब मायावती जी की पार्टी थी तो आप ये बताइए चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी क्यों बनाई, क्यों दलितों के वोट को काटने की उन्होंने कोशिश करी? क्या हमारे जो चंद्रशेखर भैया ये बी टीम नहीं है? तो सिर्फ एक मुसलमान, एक इकलौती मुसलमानों ने पार्टी बनाई है तो ये बी टीम हो जाते हैं, लेकिन ये जो दलितों की हजारों पार्टियां हैं ये बी टीम, सी टीम नहीं कहलाती। तो ये मुसलमानों पे जुल्म है, और आप भी जानते हैं कि सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट जो 2006 में आई, वो ये कहती कि हिंदुस्तान के मुसलमान की हालात ऐसी है कि दलितों से भी बदतर से बदतरीन है। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल करा, लेकिन आपको एक बात पता होगी, भक्त हमेशा भक्त रहता है जी। बीजेपी का भक्त है, उसको कितनी बर्बादियां कर लो, वो 300 रुपए पेट्रोल बिल लेगा, क्योंकि वो बीजेपी का भक्त है, वो गोबर भक्त है। ऐसे ही मायावती जी के भी भक्त होंगे, तो जो उनके भक्त है, माया जी कुछ करें ना करें, वो तब भी उनको वोट देंगे। ऐसे ही ओवैसी साहब के वो भक्त निकल कर आए हैं जिन्होंने कभी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। ओवैसी साहब ने उस समाज को जगाया जो कभी वोटिंग करता ही नहीं था, तो वो वोट की वैल्यू बता रहे हैं कि तुम्हारा वोट भी मोदी जी के वोट के इक्वल है, जागो, निकलो मकानों से और इस बार वोटिंग करो। तो वहाँ वोट कटवा पार्टी कोई साबित नहीं हो रही है, सबके अपने अपने वोट बैंक है, और मुसलमान जो मात्र वहाँ पर 22% है, सबसे ज्यादा तादाद में, लेकिन 125 सीटों पर फैसला करता है। तो आपको क्या लगता है सारा का सारा ओवैसी साहब के पीछे? बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ओवैसी साहब के पीछे जाएगा, कुछ मायावती के साथ फिक्स है, कुछ कांग्रेस के साथ फिक्स है, कुछ बीजेपी के साथ भी फिक्स है, कुछ अखिलेश के साथ फिक्स है। तो मुसलमान तो ऑलरेडी बिखरा पड़ा हुआ है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।